Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a basic topic under educational psychology, that is nature and scope of educational psychology. जब भी हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं या वो बीए हो, बीएड हो, एमए हो, एमएड हो, कभी भी जब भी आप बेसिक शुरुआत एक पहला जब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है तो यहीं से शुरू करते हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या है इन जनरल, है ना। जरूरी है, हम एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ेंगे तब भी, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब भी, हमको ये तो जानना होगा कि उसकी प्रकृति क्या है और उसका विषय क्षेत्र क्या है, किससे उसका लेना देना है। ओके, एंड द लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर your general understanding as well as for your examinations. Okay, so let's start. हमको जानना है शैक्षिक मनोविज्ञान। हम शैक्षिक मनोविज्ञान पे बहुत बातें कर चुके हैं पर ये basic video, ये basic बात अभी रह गई थी। पुराना video इस पर है मेरा एक, लेकिन वो बहुत पुराना है तो उसको थोड़ा सुधारना था, इसलिए मैं दूसरी बार आपसे इस विषय पर बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं psychology, फिर हम जानेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर हम जानेंगे उसका नेचर या उसकी प्रकृति, और फिर हम जानेंगे उसका स्कोप या उसका विषय क्षेत्र या उसका सरोकार, है ना, उसका कंसर्न। तो साइकोलॉजी क्या है कि द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगस। जितना भी ये लॉजी होता है ना, बायोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसमें हमेशा लोगस जो है वो स्टडी है, है ना, या साइंस है। और जो उसका पहला शब्द है, जो अगर इसका संधि विच्छेद कर दें तो उसकी स्टडी, मतलब साइकी की स्टडी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, जू जो है जू से एनिमल हो गया, उसकी स्टडी जूलॉजी, सोशियो यानी सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी, इस तरीके से होता है। तो इन्होंने कहा कि नामकरण इसका जब हुआ तो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है साइकी एंड लोगस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। द साइकी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल, या साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड, है ना। तो सबसे शुरुआती दिनों में साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन कहा गया कि भाई आत्मा को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ना कोई उसको जानता है, ना देखता है, ना कभी कुछ उसके बारे में एकदम एब्स्ट्रैक्ट है, तो कहा गया कि इसको चेंज करना है। तो आगे जब बढ़े तो 18th century में साइकोलॉजी वॉज अंडरस्टूड एज द साइंस ऑफ माइंड। कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। विलियम जेम्स 1892, आप एक मेरा वीडियो सुन सकते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें आप ये शुरुआती लोग हैं अमेरिका में काम कर रहे थे विलियम जेम्स वगैरह, जिन्होंने एकदम शुरुआती दौर में एजुकेशनल साइकोलॉजी पे काम किया है। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जब हम फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं तब भी विलियम जेम्स का नाम आता है। तो उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, मतलब मन को भी नहीं समझ सकते, मन को भी जानना उतना ही मुश्किल है जितना आत्मा को, तो हमने कहा कि मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। बट द वर्ड माइंड इज, ये कह रहा है कि माइंड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिगुअस इज देयर वॉज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ माइंड। लेकिन मन को, मानसिक प्रक्रियाओं को कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तो जब आगे आने वाले जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कह रहे हैं कि चेतना का विज्ञान है, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हुए, जैसे कि जेम्स सुली 1884 में कह रहे हैं, ये 1892 या 1884 आई थिंक की कुछ ईयर में दिक्कत है ना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर दूंगी अगर कोई दिक्कत है कि जेम्स सुली ने इंटरनल एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये वो है, जेम्स सुली भी कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंटरनल एक्सपीरियंसेस की बात करें कि जो मनोविज्ञान में, एक बार इसका ये आपका ईयर क्लियर कर दूंगी कि विलियम जेम्स का 1892 और जेम्स सुली का 1884 ही है ना, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कर दूंगी उसको। तो जेम्स सुली कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, कैसा विज्ञान है, आंतरिक अनुभवों को पढ़ने का विज्ञान है, आंतरिक अनुभवों को जानने का, आंतरिक अनुभवों के अध्ययन का विज्ञान है। बट देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन कॉन्शियसनेस को भी कैसे कहें, कॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है, किस लेवल के कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं आप, तो ये भी छूट गया। एंड सो दिस डेफिनेशन आल्सो वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय सम। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है इसकी, विलियम मैकडूगल डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी की एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार का विज्ञान है। इसका मतलब आज हम साइकोलॉजी को किस रूप में जानते हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। साइकोलॉजी शुड therefore be defined as a science of behavior and experiences on human beings, यानी कि
मनुष्यों के व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान, मनोविज्ञान है, ठीक है, ये बीएफ स्किनर कह रहे हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के, हम जानते हैं वैसे कि जब साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम एजुकेशनल सेटिंग में यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने का काम करते हैं, वही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो मनोविज्ञान की प्राप्तियां हैं, मनोविज्ञान में जो अनुसंधान हो रहा है और उससे जो निकल कर आ रहा है, उसको हम एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सेटिंग। यानी कि शैक्षिक परिदृश्य में मानव के व्यवहार का ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या? शैक्षिक मनोविज्ञान। द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बिहेवियरल साइंस विद टू मेन रेफरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशन। यानी कि दो मुख्य इसके आधार हैं, इसके रेफरेंसेस हैं, किसके? शैक्षिक मनोविज्ञान के। पहला मनुष्य का व्यवहार और दूसरा शिक्षा। स्किनर कैसे डिफाइन करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को? इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से लेना देना है, जिसका डील करती है। क्रो एंड क्रो कैसे डिफाइन करते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। कह रहे हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान वर्णन करता है और समझाता है क्या? लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति का जो अधिगम अनुभव है, कहाँ से कहाँ तक, जन्म से लेकर एकदम वृद्धावस्था तक के जो आपके अधिगम के अनुभव हैं, उन्हीं का वर्णन और व्याख्या जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान है। ईएपील कैसे डिफाइन करते हैं इसको? एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल्स, द रेंज एंड लिमिट्स ऑफ देयर कैपेसिटीज, द प्रोसेसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप्स। तो कह रहे हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक की मदद करता है। किस हिसाब से मदद करता है, कैसे मदद करता है? कि वो समझ सके, क्या समझ सके? अपने शिष्यों का विकास, उनका, उनकी परास कितनी, उनकी रेंज हो सकती है, उनकी कितनी सीमाएं हैं, उनकी क्षमताओं की कितनी सीमाएं हैं, और वो सारी प्रक्रियाएं जिससे कि वो सीखते हैं और जो उनका सामाजिक अंतर संबंध, सामाजिक संबंध है, उन सब का अध्ययन, उन सब में मदद करता है शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक की। ठीक, अब आते हैं प्रकृति पे। देखिए, जो साइकोलॉजी है उसको साइंस माना गया है, यानी कि वो साइंस की जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको फुलफिल करती है। कह रहे हैं कि इट इज अ साइंस, ये एक विज्ञान है। कैसे? विज्ञान होता क्या है? साइंस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरीफाइबल जनरल लॉज। कह रहे हैं कि विज्ञान क्या है? अध्ययन की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, तथ्यों का प्रेक्षण करते हैं, हमारा लेना देना तथ्यों के प्रेक्षण से रहता है, और हम ऐसा कुछ वेरीफाइबल जनरल लॉज निकाल सकें, मतलब ऐसे नियम बना सकें, कानून बना सकें जिनको हम वेरीफाई कर सकें। यही तो साइंस करता है। और क्या करता है साइंस? साइंस एम्प्लॉयज सर्टेन ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। और जो आंकड़ों के संग्रहण के लिए हम वस्तुनिष्ठ विधियों का इस्तेमाल करते हैं साइंस में। इट हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ फैक्ट्स। यानी कि हमारा उद्देश्य क्या होता है विज्ञान में? कि हम समझ सकें, व्याख्या कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें और नियंत्रण रख सकें तथ्यों का। तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट हैं वो साइकोलॉजी फुलफिल करती है। लाइक एनी अदर साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज आल्सो डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में भी आप आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संग्रह कर सकते हैं। इट आल्सो एम्स एट अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। और इसका भी उद्देश्य क्या है? कि ये मनुष्य के व्यवहार को समझ सके, भविष्यवाणी कर सके कि मतलब भविष्य में आप कैसा व्यवहार करेंगे, और नियंत्रण कर सके। तो ये कुछ खास इसकी खासियत है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान है। कौन कौन सी? लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और यूनिवर्सल, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जो नियम हैं वो सार्वत्रिक हैं, हर जगह लगते हैं, हर जगह लागू होते हैं। ये वैज्ञानिक विधि को ऑब्जर्व फॉलो करती है, कांस्टेंट सर्च ऑफ ट्रूथ, ये भी सत्य की खोज में रहती है सतत, और रिलायबिलिटी यानी कि इसमें विश्वसनीयता है। आप इस पर, इसके आंकड़ों मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो बार बार अप्लाई करेंगे तो कंसिस्टेंट रहेगा। ओके, इट इज अ नेचुरल साइंस, मतलब साइंस तो है ही, फिर ये प्राकृतिक विज्ञान है। कैसे? एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशंस, गैदर्स हिज डेटा एंड रीचेस हिज कंक्लूजंस इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज फिजिसिस्ट और द बायोलॉजिस्ट। वो कह रहे हैं जैसे कि एक बायोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि एक फिजिसिस्ट होता है, मतलब ये आपका जूलॉजी बॉटनी के जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई भी फिजिशियन है, जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करता है, डेटा गैदर करता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है, बिल्कुल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी वैसे ही करता है। इसलिए आप इसको विज्ञान की श्रेणी में तो रखिए, प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में भी रख सकते हैं।
फिर इट इज अ सोशल साइंस। फिर वो कह रहे हैं कि ये सामाजिक विज्ञान भी है। कैसे? लाइक द सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सोशियबिलिटी। कह रहे हैं जैसे कि एक मानव विज्ञानी, जैसे कि एक इकोनॉमिस्ट, जैसे कि एक राजनीतिक विज्ञानी, जैसे कि एक समाज विज्ञानी जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स और सोशियबिलिटी का अध्ययन करता है, उसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी करता है। फिर कह रहे हैं यह एक पॉजिटिव साइंस है। कैसे? नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और इथिक्स डील्स विद फैक्ट्स एज दे ऑट टू बी। पॉजिटिव साइंस मतलब हमको ये बताता है, नॉर्मेटिव साइंस नॉर्म है ना, नॉर्म की बात करता है। नॉर्म की बात क्या होती है कि क्या होना चाहिए। लॉजिक हमको ये बताता है, इथिक्स हमको बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कैसे होना चाहिए। उसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज, नॉट एज इट ऑट टू बी, सो इट इज ए पॉजिटिव साइंस। ठीक है, ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव साइंस है। कैसे? कह रहे हैं कि जो नॉर्मेटिव साइंस है, जो लॉजिक और इथिक्स है, वो ये बताता है चीजें कैसे होनी चाहिए, जबकि पॉजिटिव साइंस ये बताता है कि चीजें जैसी हैं, विद फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट, जैसा चल रहा है वैसा पॉजिटिव साइंस बताता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस बताता है क्या होना चाहिए। उसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ चाइल्ड के व्यवहार की बात करती है, क्या उसका व्यवहार है, ये नहीं बताती है कैसा होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव साइंस, थोड़ा शुरुआत में उल्टा बोल दिया मैंने, इट इज ए पॉजिटिव साइंस, मतलब ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये नहीं बताती है कि नॉर्म क्या है, क्या होना चाहिए, जैसे कि लॉजिक और इथिक्स बताता है, बल्कि ये सिर्फ ये बताती है सिचुएशन क्या है। फिर इट इज एन अप्लाइड साइंस, यानी कि अप्लाइड साइंस कैसे, कि इसकी जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, प्रायोगिक विज्ञान है, मतलब अनुप्रयोग इसके किए जाते हैं, वो हम दूसरी फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई किया, एजुकेशनल साइकोलॉजी बन गया। फिर इट इज अ डेवलपिंग एंड और ग्रोइंग साइंस, मतलब ये सतत चलने वाला विज्ञान है, बढ़ रहा है, रोज रिसर्चेस हो रही है, रोज नई चीजें निकल के आ रही है, रोज नई फाइंडिंग्स से हमको पता चल रहा है कि ये ऐसा 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 होना चाहिए, तो ये डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस भी है। ठीक है, तो ये साइंस हो गया, ये नेचुरल साइंस है, ये सोशल साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस है, ये अप्लाइड साइंस है, और ये डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस है। तो ये तो इसकी प्रकृति है। अब डब्ल्यू ए केरी ने 1941 में, लगभग 100 साल पहले, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हमको कुछ जनरल नेचर बताया कि ये इसकी प्रकृति होती है। जैसे टू गिव ए नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द चाइल्ड, ये हमको क्या देता है, बालक की प्रकृति के बारे में ज्ञान देता है। टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एम्स एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये हमको शिक्षा के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में भी समझ देता है। टू गिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच हैव बीन यूज्ड इन अराइविंग एट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि ये हमको एक समझ देता है कि कैसे हम, वो कौन से साइंटिफिक मेथड और प्रोसीजर्स हैं जिनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज कर सकते हैं। टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, हमको बताता है कि जो शिक्षण अधिगम की कौन सी प्रविधियां इस्तेमाल की जाएं, कौन से नियम इस्तेमाल किए जाएं, कौन से सिद्धांत चलेंगे वहाँ। टू गिव ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स इन स्कूल सब्जेक्ट्स, देखिए जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये सब पढ़ाया सिखाया जाता है ना, यानी कि एबिलिटी और अचीवमेंट को मेजर करने की ट्रेनिंग भी मिलती है इसमें। टू गिव ए नॉलेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक की वृद्धि और विकास के बारे में ज्ञान मिलता है। टू असिस्ट इन द बेटर एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम टू प्रिवेंट मैल एडजस्टमेंट, यानी कि बच्चा कैसे बेहतर सामंजस्य बिठा सकता है और कैसे आप उसको सामंजस्य बिठाने में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको कैसे रोकेंगे। टू स्टडी द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है, यानी कि कैसे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उसका क्या एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है, ये भी हमको बताती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और ये हमको ट्रेनिंग की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में भी समझ देती है। तो ये जनरल, इन जनरल डब्ल्यू ए केरी ने बताया कि ये सब जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति है। फिर आया स्कोप, यानी इसका विषय क्षेत्र क्या है, किस पर कौन, किस पर बेस्ड है, किस से इसका लेना देना है, कहाँ तक फैला हुआ है ये, स्कोप का मतलब है ना। तो सबसे जो खास बात है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका जो मूल है वो लर्नर में निहित है, यानी कि छात्र में, अधिगमकर्ता में, प्यूपिल में, स्टूडेंट में। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज निटेड अराउंड द लर्नर, यानी कि एक लर्नर के इर्द गिर्द ही इसका ताना बाना बुना गया है। देयरफॉर द नीड ऑफ नोइंग द लर्नर एंड द टेक्निक्स ऑफ नोइंग हिम वेल, ताकि हम उसको जान सकें, बेहतर जान सकें। इसमें क्या क्या हम जानेंगे,
बच्चे का इनेट एबिलिटी, कैपेसिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसको कैसे नापा जाता है, उसका ओवर्ट कोवर्ट कॉन्शियस अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या है, कैसे उसमें वृद्धि विकास होता है, कैसे वो बचपन से लेके एडल्टहुड तक कौन कौन सी स्टेजेस पे पहुंचता है, सब कुछ लर्नर के बारे में जानना एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप है। फिर लर्नर तो जानेंगे ही, लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि जो उसको अनुभव मिल रहे हैं अधिगम के। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिजायरेबल एंड व्हाट स्टेज ऑफ द ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर सो दैट दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्वायर्ड विद अ ग्रेटर रीज एंड सिग्निफिकेंस। वो हमको ये बताता है कि लर्नर है, हमने उसका ग्रोथ डेवलपमेंट देख लिया, हमने उसकी स्टेजेस देख ली, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको बताती है या उसका लेना देना है इससे कि किस स्टेज पे उसको कौन से एक्सपीरियंस मिलने चाहिए, तो आप उसको वैसे एक्सपीरियंस दीजिए, है ना। फिर लर्निंग प्रोसेस, अधिगम की प्रक्रिया, हम लर्नर को जान गए, उसको कैसे एक्सपीरियंस मिलने चाहिए ये जान गए, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको बताती है कि लर्निंग की क्या थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स है, यानी कौन से सिद्धांत और नियमों पे लर्निंग बेस्ड है, तो हम जान जाएंगे तो क्या करेंगे, बेहतर लर्निंग छात्र को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, रिमेम्बरिंग, कैसे याद होता है, कैसे आदमी भूल जाता है, कैसे चीजों को हम परसीव करते हैं, हमारे दिमाग में संप्रत्यय कैसे बनता है, हम सोचते कैसे हैं, हम लॉजिक कैसे निकालते हैं, हम तर्क कैसे करते हैं, समस्या का समाधान कैसे करते हैं, लर्निंग का ट्रांसफर कैसे होता है, और इफेक्टिव लर्निंग की क्या तरीके और साधन हैं, ये सब कुछ है ना। फिर हमने लर्नर को भी जान लिया, लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में भी जान लिया, लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी जान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो लर्निंग प्रोसेसेस चल रही हैं वो ठीक हैं कि नहीं। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इवेल्युएशन एज इट गिव्स द नॉलेज ऑफ रिजल्ट व्हिच हेल्प्स द लर्नर एज वेल एज द टीचर टू मॉडिफाई और करेक्ट वन सेल्फ। यानी कि मूल्यांकन करके हम उनको ये बताएंगे कि जो आप चल रहा है कार्यक्रम वो ठीक है कि नहीं, या उसमें और बेहतरी की गुंजाइश है। एजुकेशनल साइकोलॉजी गाइड्स आर बाई एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। और हम जानेंगे क्या, लर्निंग सिचुएशन को, लर्नर को जान गए, लर्निंग एक्सपीरियंस को जान गए, लर्निंग प्रोसेस को जान गए, हमने लर्निंग प्रोसेस का इवेल्युएशन भी कर लिया, और अब हम करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में। हियर वी डील विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस व्हिच कम मिडवे बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर। यानी कि शिक्षक और शिष्य के बीच में जो सब कुछ एनवायरमेंट आ रहा है उसको भी सुधारना है। टॉपिक्स लाइक क्लासरूम क्लाइमेट, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सब पढ़ा जाता है ना इसमें, गाइडेंस काउंसलिंग सब इसमें आ जाएगा। फिर अब इतना हम लर्नर के बारे में जान गए, अब हम टीचिंग सिचुएशन की बात करेंगे कि इट सजेस्ट द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाइए, हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग सिचुएशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय टीचर टू लर्निंग लर्नर अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एंड फिजिकल एज, हिज प्रीवियस नॉलेज एंड द इंटरेस्ट लेवल। यानी कि छात्र कौन सी मानसिक आयु है उसकी, उसकी फिजिकल आयु क्या है, वास्तविक आयु किस, उसका रुचि का स्तर क्या है, उसको क्या पहले से आता है, ये सब कुछ जान के तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। और टीचर यानी कि टीचर को भी जानना चाहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। टीचर इज अ पोटेंट फोर्स इन एनी स्कीम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इट डिस्कसेस द रोल ऑफ द टीचर, यानी रोल ऑफ टीचर को भी डिस्कस करता है। इट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ नोइंग दाई सेल्फ फॉर अ टीचर टू प्ले हिज रोल प्रॉपरली इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि आप पहले स्वयं को जानिए तब आप शिष्य को जानिए। तो इसमें सब कुछ आ गया, लर्नर, लर्निंग आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग सिचुएशन और टीचर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे बचा रह गया। फिर भी अगर आप लिटरेचर देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा है कि इसका ग्रोथ और हेरिडिटी से लेना देना है, पर्सनैलिटी से लेना देना है, सब है ना, तो ये सारी चीजें इसमें कवर अप है। तो आप सिर्फ इतनी हेडिंग भी लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, मोर देन सफिशियंट है। ओके, बाकी सब चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। तो दो ये इसमें लिख भी दिया मैंने, दो द इंटायर स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन फाइव की फैक्टर्स, बल्कि ये सिक्स हो गए हैं, इट मे बी फर्दर एक्सपेंडेड बाय एडिंग द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि जितना ऊपर पहले आपने बताया उन सब में उसका विषय क्षेत्र कवर हो जाता है, इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि क्या क्या है इसका स्कोप, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि आपकी जो आप अपने माता पिता से लेके इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ग्रोथ में, आपकी इंटेलिजेंस फॉर्मेशन, जो आप इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंस आपके पास है इसमें, या वो एनवायरनमेंट, यानी कि ये सब का कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है, और नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, तो सब कुछ आ गया ना, कुछ रह नहीं गया एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप से, कुछ बचा हुआ नहीं। तो हमने जाना साइकोलॉजी, पहले कहा गया कि आत्मा का विज्ञान है, फिर कह रहे हैं मन का विज्ञान है, फिर कह रहे हैं चेतना का विज्ञान, और लास्ट में क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान है।
फिर हमने जाना एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी इन द एजुकेशनल सेटिंग टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन। ओके, फिर हमने जाना उसका नेचर, हमने जाना कि ये साइंस है, हमने जाना ये नेचुरल साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस है, ये सोशल साइंस है, ये आपका ग्रोइंग और डेवलपिंग साइंस है, ठीक है। फिर हमने जाना इसका स्कोप, इसको लेना देना है लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस से, लर्निंग सिचुएशन से, लर्निंग एक्सपीरियंसेस से, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन या लर्निंग प्रोसेस से, और टीचिंग इन्वायरमेंट से और टीचर से, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से, टीचिंग सिचुएशन से और टीचर से। तो ये सब कुछ आ गया शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में। तो आपसे इस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप समझ जाएंगे तो दोनों तरीके के उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी बेसिक टॉपिक अंडर एजुकेशनल साइकोलॉजी दिस टाइम, एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।